इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर ऑटो का टायर फटने की वजह से ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो में बैठे लगभग 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जो अनाज की बोरियां थीं वो डिवाइडर पर बिखरी हुई दिखाई दी। किसान ने बताया है कि वह निवाड़ी से इटावा मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए जा रहा था। इकदिल ओवरब्रिज से उतरते वक्त ऑटो का टायर फट गया, जिसकी वजह से ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गया। ऑटो में भरी बोरियां भी डिवाइडर पर बिखरी हुई दिखाई दी।